नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। रिसेंटली मैंने आप सभी को जीप कंपस और मारुति सुजुकी वैगनार का एक एक्सीडेंट दिखाया था। उस एक्सीडेंट में तेज रफ्तार में कंपस से लड़ने के बाद वैगनार का बैक साइड पूरा खत्म हो गया था। आज फिर से वैसा ही कुछ इस वीडियो में भी देखने को मिलेगा। हालांकि ये एक्सीडेंट टोयोटा फॉर्च्यूनर और मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 के बीच हुआ है। ऑल्टो K10 एक लो बिल्ड क्वालिटी वाली छोटी कार है और टोयोटा फॉर्च्यूनर एक बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी वाली बड़ी SUV है, जिसने ANCAP क्रैश टेस्ट में भी 5-स्टार रेटिंग से स्कोर किए हुए हैं। इसके अलावा दोनों के प्राइस और सेगमेंट में भी काफी डिफरेंस है, इसीलिए इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन इस एक्सीडेंट को देखकर आप यह समझ पाएंगे कि एक लो बिल्ड क्वालिटी वाली कार में सेफ ड्राइविंग करने के बावजूद कभी कभी कितना नुकसान झेलना पड़ जाता है। असम से मिस्टर सोनू जी ने मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट किया है और टोयोटा फॉर्च्यूनर और मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 के बीच हुए एक्सीडेंट की जानकारी दी है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वो सारे एक्सीडेंट्स भी देख सकते हैं जिनके वीडियोस नहीं पोस्ट हो पाते हैं। ये एक्सीडेंट असम के NH-36 पर कुछ दिनों पहले ही हुआ है। सर ने बताया कि हाईवे पर नॉर्मल स्पीड से एक ऑल्टो K10 जा रही थी, तभी पीछे से काफी तेज रफ्तार में आ रहे फॉर्च्यूनर ने अनकंट्रोल होकर उसमें टक्कर मार दिया। ये टक्कर इतना जबरदस्त था कि K10 का लेफ्ट वाला बैक साइड पूरा अंदर घुस गया, जिसके बाद हैचबैक का सी पिलर और पैसेंजर डोर भी बुरी तरह से डैमेज हो गया। दूसरे तरफ फॉर्च्यूनर को देखा जाए तो इसके भी लेफ्ट साइड फ्रंट में काफी डैमेज आया है। इस टक्कर में SUV का बम्पर, बोनेट, फेंडर, हेडलाइट सब कुछ डैमेज हो गया, लेकिन अंदर बैठे पैसेंजर्स को बिल्कुल भी चोटें नहीं आई, वो सेफली कार से बाहर आ गए। हालांकि K10 के ड्राइवर को इस भयानक टक्कर में बहुत ही ज्यादा मेजर इंजरीज आ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। उम्मीद है वो सेफ होंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस एक्सीडेंट में किस तरह फॉर्च्यूनर के ड्राइवर के गलती की सजा K10 के ड्राइवर को भुगतनी पड़ी। इन्हीं सब वजह से एक सेफ कार बहुत जरूरी होती है हम सभी के लिए। हालांकि इस टक्कर में किसी भी कार का बुरा हाल हो जाता, लेकिन कम से कम एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली 4 या 5 स्टार रेटेड कार होती तो अंदर बैठे ड्राइवर को ज्यादा चोटें आने के कम चांसेस होते। तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।